हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करेंगे। 14th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर दी गई है स्टूडेंट्स, और इस फिगर से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और हमें उन 5ों क्वेश्चंस में पेयर्स ऑफ एंगल्स के नाम बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है स्टूडेंट्स कि इस फिगर में ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। इस पार्ट को समझने के लिए हम इस फिगर को यहाँ पर दोबारा बनाएंगे स्टूडेंट्स, और ये वाली जो फिगर आप बनाएंगे ये आप रफ वर्क में बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमें दो लाइंस देखनी है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, क्योंकि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये तब बनते हैं जब दो लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए सी लाइन और बी डी लाइन एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर ये ए सी लाइन बनाते हैं और दूसरी लाइन कौन सी बनाएंगे, बी डी लाइन। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को यहां इस पॉइंट पर काट रही है, इसको हम नाम दे देते हैं ओ। अब यहां पर देखिए, एक तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, और एक ये एंगल और ये एंगल, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। अब आप यहां पर इजीली चेक कर सकते हैं कि ये दो वर्टिकल एंगल्स जो हैं ये दोनों ही एक्यूट एंगल्स है, ये दोनों ही 90 डिग्री से छोटे एंगल्स हैं, जबकि इन दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को देखिए, ये दोनों ही एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल्स है, ये दोनों ही 90 डिग्री से बड़े एंगल्स हैं। और यहां पर हमें ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के नाम बताने हैं। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ए ओ डी, यानी कि ये वाला एंगल, और इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल बी ओ सी, यानी कि ये वाला एंगल। अब आप इस फिगर में भी चेक कर सकते हैं कि यहां पर भी देखिए, ये है एंगल ए ओ डी जो कि ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, और इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी ओ सी, यानी कि ये वाला एंगल। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, यानी कि एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यानी ये ऐसे दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं जो कि 90 डिग्री से बड़े हैं। सेकेंड पार्ट में हमें बताना है स्टूडेंट्स एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी इस फिगर में एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सही आंसर रहेगा एंगल ई ओ ए एंड एंगल ए ओ बी, यानी के एंगल ई ओ ए और एंगल ए ओ बी एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि ये दो एंगल्स एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दो एंगल्स तभी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जब वो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि उन दोनों एंगल्स का एक कॉमन पॉइंट यानी कि एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि उन दोनों एंगल्स में एक कॉमन आर्म, कॉमन आर्म का मतलब होता है कॉमन रे होनी चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स होती है दोनों ही एंगल्स की, वो कॉमन आर्म की अलग अलग साइड पर होनी चाहिए। और अगर कोई दो एंगल्स इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं तो हम कहते हैं कि ये दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ एडजेसेंट एंगल्स नहीं चाहिए, हमें तो दो ऐसे एंगल्स चाहिए जो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी एडजेसेंट एंगल्स तो हैं लेकिन साथ ही वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी होने चाहिए। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि दो एंगल्स तभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जब उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब इस फिगर में ध्यान से देखिए, एंगल ई ओ ए यानी के ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल ए ओ बी यानी के ये वाला एंगल। अब हम पहले तो ये चेक करेंगे क्या ये दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगल ई ओ ए ये भी ओ पॉइंट पर बन रहा है और एंगल ए ओ बी ये एंगल भी ओ पॉइंट पर बन रहा है, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स की एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई कि इन दोनों एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स है।
इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एंगल ई ओ ए में ये रे आ रही है, ओ ए रे, जिसको हम आम भी कहते हैं। ऐसे ही एंगल ए ओ बी में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी ओ ए रे आ रही है, यानी कि जो ओ ए रे है ये एंगल ई ओ ए में भी है और एंगल ए ओ बी में भी है, यानी कि ओ ए रे जो है ये इन दोनों एंगल्स की कॉमन आर्म है, यानी कि कॉमन रे है। तो इन दो एंगल्स ने एडजेसेंट एंगल्स की दूसरी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों एंगल्स की जो नॉन कॉमन रेज है, जैसे कि इस एंगल की जो नॉन कॉमन रे है वो है ओ ई रे, और इस एंगल की जो नॉन कॉमन रे है वो है ओ बी रे, ये दोनों नॉन कॉमन रेज इस कॉमन रे की अलग अलग साइड पर हैं। इसका मतलब इन दोनों एंगल्स ने एडजेसेंट एंगल्स की जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है उसको भी सेटिस्फाई कर दिया है। अब हमने ये तो चेक कर लिया स्टूडेंट्स कि ये दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब हमें ये चेक करना है क्या इन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल है या नहीं, क्योंकि हमें एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चाहिए। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है बी डी, और इसके ऊपर ये जो रे ओ ई है ये परपेंडिकुलर है। अब हम इसी फिगर को यहाँ रफ वर्क में बनाते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। देखिए ये बी डी लाइन है और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है ओ ई। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इस साइड भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इस साइड भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड में ये वाला जो एंगल है ये पूरा एंगल ये 90 डिग्री का है, लेकिन ये एंगल दो पार्ट्स में बटा हुआ है इस ओ ए रे की वजह से। तो अगर हम यहाँ पर ये ओ ए रे बना देते हैं तो अब देखिए ये 90 डिग्री दो पार्ट्स में बट गया, यानी कि अगर हम इन दोनों पार्ट्स को, इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा 90 डिग्री। अब आप इस फिगर में ध्यान से देखिए, हम ये तो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि एंगल ई ओ ए यानी कि ये वाला एंगल और एंगल ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं, और हमने ये भी चेक कर लिया है अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो हमें क्या मिलता है 90 डिग्री, यानी कि ये दो एडजेसेंट एंगल्स भी हैं और इन दोनों का सम 90 डिग्री भी है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये दो एंगल्स यानी कि एंगल ई ओ ए और एंगल ए ओ बी एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा एंगल ई ओ ए एंड एंगल ए ओ बी। थर्ड पार्ट में हमें बताना है स्टूडेंट्स के इस फिगर में इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं, यानी कि हमें दो ऐसे एंगल्स चाहिए स्टूडेंट्स जो इक्वल भी होने चाहिए और सप्लीमेंट्री भी होने चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल भी हो। तो यहां पर सही आंसर है एंगल ई ओ बी एंड एंगल ई ओ डी। अब हम चेक करते हैं कि इस फिगर में ये दोनों एंगल्स कहाँ पर हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है बी डी, ठीक है, और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है ओ ई, और जो परपेंडिकुलर होता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए यहाँ पर हम इस स्ट्रेट लाइन बी डी को बनाते हैं रफ वर्क में, ये बी डी लाइन है और इस बी डी लाइन के ऊपर ओ ई रे है जो कि परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर इस साइड में भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है और इस साइड में भी। यहां पर हम इस रे को भी नाम दे देते हैं OE। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगल ई ओ बी यानी कि ये एंगल और एंगल ई ओ डी यानी कि ये एंगल, ये दोनों ही एंगल्स क्या है 90 डिग्री के हैं, और यहाँ पर हमें इक्वल एंगल्स भी चाहिए थे, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस क्या मिल जाएगा 180 डिग्री। याद रखिएगा कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर ये जो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनता है ये 180 डिग्री का एंगल होता है, ये भी 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री, यानी ये दो इक्वल एंगल्स भी हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी है, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है। इस फिगर में भी आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल ई ओ बी यानी कि यहां से यहां तक ये एंगल, ये भी 90 डिग्री का है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ऐसे ही एंगल ई ओ डी, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं इक्वल हैं, और इन दोनों को ऐड करें तो 180 भी आता है, इसलिए ये दो एंगल सप्लीमेंट्री भी है। इसलिए यहां पर हमने आंसर में लिखा एंगल ई ओ बी एंड एंगल ई ओ डी, ये दो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं।
फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, हमें दो ऐसे एंगल्स चाहिए जो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो, यानी ये दोनों एंगल्स अनइक्वल होने चाहिए लेकिन सप्लीमेंट्री होने चाहिए, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो इस पार्ट के लिए सही आंसर है एंगल ई ओ ए एंड एंगल ई ओ सी। अब हम चेक करते हैं कि इस फिगर में ये दो एंगल्स कहाँ पर हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है ए सी। हम यहाँ पर रफ वर्क में इस स्ट्रेट लाइन को बनाते हैं ए सी, और यहाँ पर देखिए इसके ऊपर ये एक रे है ओ ई। हम यहाँ पर ये रे बनाते हैं ओ ई। अब आप इजीली चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये एंगल देखिए, इसकी मेजरमेंट कम है जबकि ये एंगल बड़ा है, और हम कह सकते हैं कि ये दो एंगल्स अनइक्वल एंगल्स हैं। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि ये एसी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ से यहाँ तक जो ये एंगल बनता है ये 180 डिग्री का एंगल होता है। यानी अगर हम इन दो एंगल्स को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री। तो ये दो एंगल्स अनइक्वल एंगल्स भी हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी है, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है। अब आप इस फिगर में भी चेक कर सकते हैं एंगल ई ओ ए, यानी के ये वाला एंगल, और एंगल ई ओ सी यानी के ये वाला एंगल। ये दो एंगल्स अनइक्वल एंगल्स हैं, ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है, और इन दोनों का सम क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप ये एंगल बनाएंगे तो क्या बनेगा, 180 डिग्री का एंगल। और ये दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स भी है क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल भी है। इसीलिए यहाँ पर हमने आंसर में लिखा एंगल ई ओ ए एंड एंगल ई ओ सी। देखिए एंगल ई ओ ए ये वाला एंगल, और एंगल ई ओ सी यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। फिफ्थ पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, यानी कि इस फिगर में हमें ऐसे एडजेसेंट एंगल्स देखने हैं जो लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं। इस पार्ट को समझने के लिए हम एक रफ डायग्राम से आपको समझाएंगे स्टूडेंट्स। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, याद रखिएगा कि जो लीनियर पेयर होता है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनता है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ से यहाँ तक जो ये एंगल होता है ये 180 डिग्री का एंगल होता है। और अगर कोई रे इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, अब देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, और क्योंकि 180 डिग्री ही दो एंगल्स में डिवाइड हो गया है, तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि ये दो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स हैं जो कि लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल भी है। लेकिन इस पार्ट में हमें ऐसे एडजेसेंट एंगल्स देखने हैं जो कि लीनियर पेयर नहीं बनाते, जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। तो इसमें पहला आंसर है एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई। अब हम इस फिगर में चेक करते हैं कि क्या ये दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं और क्या ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। अब देखिए एंगल ए ओ बी यानी के ये वाला एंगल, और एंगल ए ओ ई, ए ओ ई यानी के ये वाला एंगल। हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स है ओ, और इन दोनों एंगल्स की एक कॉमन आर्म है ओ ए आर्म, और इन दोनों एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो इस कॉमन आर्म की अलग अलग साइड में हैं। यानी कि ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं, और अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दें तो हम चेक कर सकते हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ तक तो एंगल बन नहीं रहा ये, इसका मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स तो हैं लेकिन ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरा आंसर है एंगल ए ओ ई एंड एंगल ई ओ डी। अब आप इस फिगर में चेक कर सकते हैं एंगल ए ओ ई यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल ई ओ डी यानी कि ये वाला एंगल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं, और अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो एंगल कहाँ से कहाँ तक बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब ये 180 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। देखिए अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को देखते हैं
तो यहां पर जो 180 डिग्री का एंगल बनेगा वो यहां से यहां तक आएगा, लेकिन इन दोनों एंगल्स को ऐड कीजिए, ये यहां से यहां तक है, यानी कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स तो हैं, लेकिन इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। और यहाँ पर थर्ड आंसर है एंगल ई ओ डी एंड एंगल सी ओ डी, यानी कि एंगल ई ओ डी और एंगल सी ओ डी ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स तो हैं, लेकिन ये भी लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल ई ओ डी यानी कि ये वाला एंगल और एंगल सी ओ डी यानी कि ये वाला एंगल, ये देखिए। अब ये दोनों एंगल्स भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। अब ये स्ट्रेट लाइन देखिए स्टूडेंट्स, ए सी, अगर इस पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे बनेगा, लेकिन इन दो एंगल्स को ऐड कीजिए, ये यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आ रहे हैं, यानी ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स तो हैं, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर था एंगल ई ओ डी एंड एंगल सी ओ डी। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।